वाजीवा धन्य कांशी राम वाजीवा धन्य कांशी राम वाजीवा धन्य कांशी राम वाजीवा धन्य कांशी राम। आप चाहे तो उनको वैज्ञानिक कह सकते हैं, आप उनको सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, आप उनको राजनेता कह सकते हैं, आप उनको कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको कह सकते हैं। कुछ लोग उनको मॉडर्न बुद्धा भी कहते हैं। ये मतलब हमारे जो कैनवास है वो इतना बड़ा हो गया है कि आप उसको जैसा चाहें ऐसा समझ सकते हैं। बाबा साहेब के बाद दलित बहुजन आंदोलन को किसी ने रिवाइव किया है तो वो है माननीय साहब काशीराम। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित बहुजन आंदोलन में लगा दी। उन्होंने सामाजिक स्तर पर बामसेफ और डीएसफोर जैसे संगठनों के दम पर और राजनीतिक स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके दबे कुचले समाज और महिलाओं को उनके एग्जिस्टेंस का उनको एहसास दिलाया और उनको समझाया कि राजनीतिक बदलाव से कैसे आपका सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। तो आज बात माननीय साहब काशीराम की, उनके कार्यवे की, उनके व्यवहार की, उनकी राजनीति की, उनकी सामाजिक आंदोलन की और उनसे जुड़े कुछ किस्सों की। साहब काशीराम ने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। वो जो भी बात बोलते थे बहुत स्पष्ट बोलते थे और अपने विचार और स्वाभिमान से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक इशू आया बहनजी को, बहनजी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस समय पे गांधी को लेके कुछ बात आई थी, आप लोगों सबको याद हो। तो उन्होंने एक किस तरीके से वो बात को कहते हैं, कहते कि भाई आप गांधी के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, उन्होंने देश को आजाद किया है, देश को के लिए इतना बड़ा सहयोग किया। कहते कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो बहुत महान व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो बहुत महान व्यक्ति थे, उन महान लोगों की परंपरा के लोग हैं, वो मनु तुलसी की परंपरा के महानतम व्यक्ति थे आधुनिक समय गांधी के लिए स्मरण। लेकिन मेरी महानता उनकी महानता को मिटके में मिला दे। काशीराम साहब की राजनीति के बारे में सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजबाड़ा विल्सन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की ताकत से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो राजनीतिक आधार पर देश की राजनीति में सबसे जरूरी माना जाता है, उस राज्य में अपनी सरकार बनाई। माननीय कांशीराम ने एक बनाया, दैट इज एन ए ट्रू सोशल इंजीनियरिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नोबडी हैज डन दैट। बिकॉज ऑफ दैट ओनली द दलित्स वर एबल टू रूल द इम्पॉर्टेंट स्टेट लाइक ए उत्तर प्रदेश ट्वाइस। इट इज नॉट ए सिंपल मैटर। उत्तर प्रदेश इज देन ऑलमोस्ट लाइक ए हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, ये स्टेट का एक दलित रूल करना ये छोटा बात नहीं है, एंड दलित भी नहीं, दलित महिला भी है। सो इस पे कास्ट जेंडर सारे चीज लेके ऐसे निट करके एक पॉलिटिक्स डोमिनेंस इतने है ये देश पे, इतने अमीर लोग हैं उनका बीच में कैसे बनाया, आज तक किसी का भी एक आश्चर्यचकित विषय है। ये ऐसा काम करने वाला का देख के ये देश पे सारे लोग डर गया। विल्सन आगे बताते हैं कि साहब काशीराम की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति से कैसे सवर्ण तबका डरा हुआ था और मेन स्ट्रीम कही जाने वाली मीडिया में भी काशीराम साहब की लगातार आलोचना किस प्रकार की जाती थी। द ओनली वन पर्सन अबाउट हुम All are so much scary, that is the only Maniwar Kanshiram ji. Unka naam pukare to bhi dar hai. When he died also, all the newspapers in the editorial aap padhe to wo din ka, sab log ne kya likha, wo itne unka criticize karke ye likha. Ye dalal hai, ye broker hai, ye politician, aise hi ye desh ka politics ka kharab kar diya. ऐसे ही लिखा, नो बड़ी अप्रिशिएटेड एनी मेन स्ट्रीम न्यूज पेपर्स बिकॉज वो इतने डर गया उनका देख के, उनका पॉलिटिक्स देख के। जैसा पॉलिटिशियन ये देश का अंदर अभी कोई भी नहीं और आना भी बहुत मुश्किल है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अगेन टू ब्रिंग बैक द सोशल इंजीनियरिंग, मतलब क्या होते हैं। पत्रकार भाषा सिंह मानेवर साहब काशीराम के किस्सों का जिक्र करते हुए बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मौत हो जाने पर क्या करने को कहा था, मनुवादी व्यवस्था, भाजपा और लखनऊ में बने अंबेडकर पार्क में काशीराम साहब की खुद की जो मूर्ति है उसको लगवाने की उनकी इच्छा उन्होंने कैसे व्यक्त की थी और उनका व्यक्तित्व
इन चीजों को लेकर कैसा था? इसमें जो सबसे मजेदार बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए 6x3 का जमीन चाहिए, जब मैं जाऊं तो बस मुझे उतना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं समाज के लिए देना चाहता हूं। और अपने समाज को भी इतने बिल्कुल सीधे सीधे ललकारते हुए गुस्से में उन्होंने कहा कि गुस्सा होना चाहिए और ब्राह्मणवादी मनुवादी किसी भी झांसे में फंसना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन वो तारीफ असली तारीफ नहीं, असली तारीफ तब है जब वो आपको पावर दें। और यहां पर भाजपा को सबक दिखाते हुए कहते हैं कि भाजपा ने जिससे जितनी बार हाथ मिलाया उतनी बार उन्होंने भाजपा को मिट्टी में मिलाया। शायद जो लोग कांशीराम को याद करते हैं आज की तारीख में, ये जो सबक हैं ये बहुत अहम सबक हैं। और साथ ही साथ यह कहना मायावती से कि तुम मेरी मूर्ति बनवाओ ताकि मैं जीते जी अपनी मूर्ति देखूं, बहुत बड़ी बात है भारतीय राजनीति में कि दलितों को, दलितों के लिए काम करने वाले समाज को, उस समाज का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है सिर्फ वही याद करता है। और इसलिए मुझे याद आता है क्योंकि मैं लखनऊ की हूं कि किस तरह से मायावती ने जो पार्क बनाया जहां आज भी तमाम मूर्तियां हैं, सब कुछ बदल गया लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन वे मूर्तियां हैं और वे मूर्तियां बताती हैं कि दलित पावर यानी क्या। आगे वह बताती हैं कि कैसे अंबेडकर पार्क जो लखनऊ में बना उसमें मान्यवर साहब काशीराम और मायावती जी की मूर्ति को लेकर जो मीडिया का रवैया था, पार्क को लेकर जो सोच थी मनुवादी लोगों की, आखिर उससे इन लोगों को दिक्कत क्या थी? तरह से ये मूर्तियां जब बन रही थी उनको लेकर जिस तरह से खबरें आ रही थी, लोग बोल रहे थे किस तरह का पैसे का बर्बादी हो रही है, किस तरह से मायावती अय्याशी कर रही है, इस तरह से पूरे मीडिया हाउसेज में एक नफरत का माहौल था। और मुझे बाद में धीरे धीरे समझ आया कि दरअसल वे कांशीराम और मायावती से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि दरअसल यही पूरी जो मनुवादी व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया के पास एक तरह से गिरवी है, उसको चेंज करने की बात कर रहे थे, सर के बल खड़ा करने की बात कर रहे थे। इसलिए तमाम मीडिया हाउसेज में अगर सबसे ज्यादा जिन लोगों से कम उत्तर भारत में लोग नफरत करते रहे हैं उसमें कांशीराम और मायावती रहे हैं। साथ ही मान्यवर साहब काशीराम के संघर्ष पर किताब मैं काशीराम बोल रहा हूं से वो कुछ छोटे छोटे किस्सों का जिक्र भी करती हुई बताती हैं कि कैसे काशीराम साहब का व्यक्तित्व रहा होगा। बताती हैं, इसमें फोटोज भी हैं और खास तौर से जो एक समाज को भी वो एड्रेस करते हैं, चमार और वाल्मीकि समाज के बीच की जो लड़ाई है उसे भी किस तरह से एड्रेस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर स्टेशन पर अपना कुली बदल देता हूं, ये जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर किस तरह से हासिल की कांशीराम जी ने, इससे बेहतर तो मर जाना है या फिर इस भद्दे सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। तो एक जोश जगाने की बात है और समाज के भीतर एक कॉन्फिडेंस कि पॉलिटिकल पावर है तब तो ठीक है। अब सीधे लैंग्वेज देखिए, मेरे मरने के बाद आप लोगों के को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे, तो ये अपने समाज से वो बात कर रहे हैं। काशीराम साहब की भाषा शैली बहुत मजबूत थी, वो कभी किसी के सामने झुका नहीं करते थे और अपनी बात को आंखों में आंख डाल करके सामने खड़े होकर कहा करते थे। और उसी भाषा शैली के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में खासकर जाति के गणित को समझा और जातियों को जोड़ने का काम किया और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर जो बाबा साहब का सपना था पॉलिटिकल चेंज का उसको साकार करके दिखाया। उत्तर प्रदेश तो उनकी कर्मभूमि रही जहां पर उनका प्रयोग सफल हुआ, पंजाब में उस तरह का सफल नहीं हो पाया। पॉलिटिकल चेंज तो उत्तर प्रदेश में आया, वही उत्तर प्रदेश जो जय श्री राम अभी कर रहा है, जहां पर गाय 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 चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसी इलाके में जहां इतनी भीषण ब्राह्मणवादी सोच है, व्यवस्था है, उसको जिस तरह से कांशीराम बदलते हैं, पलटते हैं और उसके लिए जो गणित जोड़ते हैं, क्योंकि जाति का जो गणित है और वो जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस किताब में तमाम चीजें हैं कि ये तो जाति का गणित समझना, जाति की जो पावर है वह समझना, वो इसमें संस्मरणों के जरिए बखूबी आई है कि वो क्या गणित है जिससे हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जहां बात छोड़ी पॉलिटिकल चेंज की कि सत्ता हासिल करनी है, सत्ता से ही कोई भी परिवर्तन आएगा, यह कुंजी तो बाबा साहब ने दी, कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, सारी और चीजें दे दी, लेकिन इसको हम जमीन पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कि जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इतने क्रूड थे
वो भाषा भी इतनी क्रूड है, भाषा में भी कहीं कोई मुलायमियत मुरव्वत मुलायमियत नहीं है। कोई मिडिल क्लास जनता के लिए इस भाषा को बचा पाना पचा पाना हाजमा खराब हो जाएगा भाई, दस लग जाएंगे, दस लग गए थे उस समय। कांशीराम का जो उभार है उस समय देखिए कि बाकी जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था है सबको दस लगे हुए थे, सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि डील कैसे करना है, क्योंकि तो बिल्कुल तस्वीर ही पलट गई। किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस सेक्शन से आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए डील करना पड़ेगा। हमने देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांशीराम साहब ने जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाया उसके दम पर दलित समाज के लोगों के अंदर एक सामाजिक जागरूकता आई और उससे उनका आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक विकास हुआ। उसको समझने के लिए लेखक और कवित्री अनीता भारती एक किस्सा बताती हैं। तो जब हम लोग मौजपुर जाते थे, क्योंकि मौजपुर एक दलित बस्ती है, तो वहां पे बड़ा बड़ा नीला नीला डीएसपोर लिखा होता था, बॉम्ब सेफ डीएसपोर ये सब लिखा होता था। तो चूंकि हमारा जहाँ हम रहते थे वो दलित बस्ती नहीं थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जहाँ दलित बस्ती आती वहाँ बहुत चेतना थी उस वक्त कि पूरा जो दीवारें हैं वो नीले, और वहाँ के जो यूथ था वो उनसे बहुत ज्यादा वाकिफ था उन चीजों से। तो मुझे लगता है वो जो उस समय का दलित यूथ है वो हम ही है इस वक्त, और मतलब हमारी जो जनरेशन जा रही है वो कांशीराम जी के समय का यूथ है। तो और उस समय उन्होंने जो उस समय जो काम हुआ और जो हमारे अंदर चेतना आई है, बाबा साहब के बाद जिसने चेतना का काम किया वो कांशीराम जी है। मैं जो है वो दलित आंदोलन को कई हिस्सों में बांट के देखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमें दलित आंदोलन का और दलित साहित्य का और जो भी हम एक ही मानते उसको अगर हम एक हिस्सा माने तो बुद्ध आता है, दूसरा हिस्सा माने तो हमारे संत कवि आते हैं, तीसरा हिस्सा माने तो हमारे सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले आते हैं, चौथा हिस्सा माने तो हमारे बाबा साहब आते हैं, पांचवा हमारे कांशीराम जी आते हैं, और इसके बाद हमारा रोहित वेमुला युग आता है, रोहित वेमुला। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रोहित वेमुला के बाद बहुत चीजें चेंज हुई है, बहुत मूवमेंट में जान भी आई है। तो मैं इसको ऐसे बांट के देखती हूँ युग के रूप में। तो कांशीराम एक युग पुरुष है जिन्होंने जो है वो पूरे सिस्टम को बदलने की और उसको चेष्टा की, और उसमें कामयाब भी हुए हैं। वो हर लेवल पे उन्होंने चेंज करने की, चाहे वो उनका अगर हम देखें उन्होंने अखबार से निकाला अखबार बहुजन संगठन, उन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने स्टूडेंट का संगठन बनाया। अगर हम समाज सुधार इसकी बात उठा के देखें तो हमारे राजनीति में बहुत सारी औरतें आई हैं, एजुकेशन में बहुत सारी औरतें आई हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर सावित्रीबाई फूले के समय भी मुक्ता सालवे थी, जाईबाई चौधरी थी, उन्हीं के थोड़े समय के अंतराल में तो हमारे पास है। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बात करूं मूवमेंट की, तो उसके तो हजारों औरतें जुड़ी थी। तो जब कांशीराम जी आते हैं वो समझते हैं इस बात को कि महिलाओं का जो महत्व है वो बहुत कहीं ज्यादा है, घर से ज्यादा है। और इसीलिए जो जो मायावती जो हमारे लिए आइकन है, मैं इसको ये इसलिए आइकन बोल रही हूँ, बहुत लोग मायावती जी के बारे में काफी खराब बोलते हैं, लेकिन मुझे ये अनुभव है कि जो मायावती है वो एक जो है ना अभी भी प्रेरणा की स्रोत है दलितों में। और इस बात को आप शहर में बैठ के महसूस नहीं कर सकते, आपको इसके लिए वहां जाना पड़ेगा जहां पे हमारी ज्यादा जनता रहती है, जो गांव है देहात है वहां पे ज्यादा जनता रहती है। कुछ समय पहले मुझे ऐसा अनुभव भी हुआ कि जब मैं एक गांव में गई, कानपुर के गांव में हम गए, तो वहां जितनी लड़कियां थी सारे के गानों में यह था कि मैं मायावती बनना चाहती हूँ। साहब का व्यक्तिगत व्यवहार बहुत ही साफ हुआ करता था, वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि वो खुद गंदे हो रहे हैं, लेकिन वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि जो उनका उद्देश्य है समाज के अंदर जो वैचारिक गंदगी है उसको खत्म करना, उस पर वो लगातार काम करते थे भले ही उनको खुद गंदा होना पड़े। और इस बात को समझने के लिए ये किस्सा सुनिए। साहब कांशीराम बहुत पुरानी बात है, साहब कांशीराम समाज में काम कर रहे थे, सड़कों पे उतरे हुए थे और रिसोर्सेज थे नहीं और वो खुद प्रचार करना पड़ता था, तो साइकिल पे अपने एक साथी के साथ वो पैम्फलेट या बैनर्स वगैरह बांध रहे थे पंजाब के किसी इलाके में। एक इलाका एक ऐसा था जहाँ पे लोग सुबह हाजत करने आते थे, जो टॉयलेट करने आते थे सुबह सुबह, बहुत ही गंदगी थी वहाँ पे और बहुत बदबू आती थी। तो साहब ने कहा कि हम यहाँ पे बांधेंगे, तो वहाँ पे एक खम्बा था, यहाँ पे बांधेंगे अपना बैनर। तो उस साथी ने कहा कि साहब यहाँ पे इतनी गंदगी है और यहाँ पे कौन आता है, तो आप क्यों बांधना चाहते हो?
तो साहब ने कहा कि मेरे समाज के घर में टॉयलेट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। मैं चाहता हूँ जब वो यहाँ पे आए तो जो हमारा लिखा हुआ है बैनर उसको पढ़े और हमसे जुड़े, और ये हमारे लिए एक मौका होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन खम्भे के वहाँ पे बांधना था तो वो साइकिल पे चढ़े ताकि थोड़ी हाइट पे बांध पाए, लेकिन वो हाइट साइकिल की कम थी तो साहब ने कहा मेरे कंधे पे चढ़ के बांध थोड़ा ऊंचाई पे ताकि नज़र आए। तो वैसा ही किया तो बंध गया वो बैनर जो था। तो जब वो नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे तो साथी ने नोटिस किया कि साहब के कंधे के ऊपर जो है टॉयलेट लग गया है, क्योंकि वो टॉयलेट जो था उनके पैरों में लगा हुआ था, जब कंधे पे चढ़े तो लग गया था। तो उन्होंने झिझकते हुए साहब से कहा कि साहब आपका कंधा जो है वो गंदा हो गया है, उस पर टॉयलेट लग गई है। तब उन्होंने कहा कि साहब ने कोई एक्सप्रेशन अपने बदले नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सहज स्वभाव में कहा कि ये गंदगी तो फिर भी धुल जाएगी ये वाली गंदगी तो, लेकिन मेरे समाज के ऊपर जो गंदगी लगी है वो कब साफ होगी, है ना। एक तरफ तो साहेब काशीराम अपने लोगों के लिए गंदगी सहन कर रहे थे, गंदगी में काम कर रहे थे, वहीं उनके स्वाभिमान की बात आती थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री तक से माफ़ी मंगवा ली थी। बंगाल का ये किस्सा ज़रूर सुनिए। ये वो हम्बल इंसान के साथ हम्बल थे, और जो उनके 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 ऊपर चढ़ के आता था उनको बहुत ही असर्टिव वे में बहुत ही पावरफुली वो जवाब देते थे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कोलकाता का। बंगाल में ज्योति बासु की सरकार थी उस वक्त में, और यहाँ पे 95 की बात आई है शायद। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी वहाँ पे, 94 की बात है, मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और एक कोई अपना प्रोग्राम था कोलकाता में, और वहाँ पे एक ग्राउंड है शायद उसका नाम मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, और वहाँ पे अपना बहुत ही ज़बरदस्त जमावड़ा हुआ था। लोग अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़ तो उस वक्त में नहीं था, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तो था ही, और भी राज्यों से बहुत लोग जो है ट्रेनें भर भर के वहाँ पे आए थे, तो पूरा ग्राउंड भर गया था। ज्योति बासु की सरकार थी तो उनको लगा कि हमारे ही इलाके में आके इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली इन्होंने, और वो हमेशा दम भरते थे इस बात का कि इस स्टेडियम को या इस ग्राउंड को हम ही भर सकते हैं। और साहब ने ऐसा कर दिया तो उनकी ईगो हर्ट हुई होगी शायद। तो जब ये प्रोग्राम समाप्त हुआ तो सब लोग वापिस आने लगे। अब वापिस आने लगे तो रेलवे स्टेशन के बाहर, और रेलवे स्टेशन के जो कोलकाता का था उसके अंदर जो कार्यकर्ता थे बहुत सारे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और बहुत मारा। उस वक्त में एक टीआर खुंटे करके थे उनके साथी, तो साहब वहीं पे थे और अपने जहाँ पे भी किसी होटल में या गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उन्होंने उनको भेजा वहाँ पे और जायज़ा लिया, तो बहुत बुरी तरह से मारा था। साहब ने बोला कि इनको अब हम ये ग्राउंड छोड़ के जाएंगे नहीं, तो सब वापिस आए और वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि साहब का उस वक्त में इतना बड़ा बन चुका था ऑरा कि बंगाल के लोगों ने ही उनके लिए खाने का प्रबंध किया। इतने बड़ी संख्या में लोग थे और उनके खाने पीने का प्रबंध वहीं पे किया, और उन्होंने उधर साहब ने कहा कि जब तक ज्योति बासु माफ़ी नहीं मांगेगा इसकी तब तक यहाँ पे ये धरना चालू रहेगा। तो यूपी से जो कोलकाता के लिए आने वाली ट्रेनें थी वो बंद कर दी गई और चक्का जाम हो गया, और जब इतना ट्रेन्स बंद हो गई तो लोग ट्रेन में सब यात्री जो थे वो परेशान हुए। तब फिर केंद्र ने दखल दिया और उन्होंने उसको कहा कि ज्योति बासु को कि आप माफ़ी मांगिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी। वो माफ़ी मांगने के बाद साहब ने वो धरने को उठाया, बाकायदा अलग से ट्रेनें चलाई गई ताकि सभी कार्यकर्ता जिन्होंने भाग लिया था वहाँ पर उनको घर पहुंचाया जा सके। तो ये साहब के ऊपर जो दमन हुआ वो वहीं पे उन्होंने उसका स्कोर को सेटल कर दिया।